नंबर इसमें क्या देखते हैं, दिया है सिर्फ सिक्स, ये सिर्फ सिक्स दिया है। तो आप यहां लिखिएगा डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई और गुना आपका रेडियन माप यानी कि 6। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या करना होगा कि पाई क्या वैल्यू रखना होगा। चलिए इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 180 गुना 6 बटा में है 22 और ऊपर चलाएगा 7, 22 बटा 7 तो 7 ऊपर चलाएगा। इसको काट दीजिए 3 बार 3 से, है ना, 2 3 6 और इसको 11 गुना 22। चलिए ऊपर इंटू करते हैं, जब इन तीनों में इंटू करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना आएगा 3780 और बट्टा में 11। ये किस में है अभी, ये किस में है अभी, तो यहाँ यह डिग्री में आ गया है। तब इसका पूर्णांक तोड़िए, तो पूर्णांक तोड़िएगा तो हो जाएगा 343 पूर्णांक 7/11। आप कर लीजिएगा इतना आएगा, इतना डिग्री। अब देखिए ये बचे हुए भाग को रेडियन में करेंगे ना, सॉरी मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 343 डिग्री अभी 7/11 में गुना कर दीजिए 60 से, तो ये मिनट में हो जाएगा। तो आ जाएगा 343 डिग्री। अब देखिए ये 7 × 42 420 और बटा में 11 मिनट। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो यानी कि अब आप आगे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 343 डिग्री, है ना। इसको एक काम करिए, यहाँ पे इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो हो जाएगा 38.2/11 मिनट। अब आ गया 343 डिग्री। अच्छा इसको 38 मिनट को एक जगह कर दीजिए और इसको सेकंड में बदलिए, 2/11 और गुना में 60 सेकंड। चलिए तो इसको 343 डिग्री 38 मिनट और ये 6 × 12 120/11, तो ये आ जाएगा 10.9 लगभग। तो 10.9 मतलब 11, है ना, 11 ये सेकंड हो जाएगा लगभग में, ये लगभग में है, समझ गए ना। चलिए ये क्लियर हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर